अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेसी वाइब और मैं हूं आपका दोस्त हाशिम उमर। कनाडा में एज ए टूरिस्ट जब आप आते हैं तो आप बैंक में अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट की बात की जाए, अगर आप BMO यानी कि बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल में बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको वेलकम बोनस मिलेगा $400। TD बैंक में भी ऐसा ही है, वहां पे भी आप बैंक अकाउंट ओपन करें तो आपको मिलेंगे तकरीबन $400। और अगर आप RBC रॉयल बैंक ऑफ कनाडा में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको वेलकम बोनस मिलेगा $350। बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सिर्फ पासपोर्ट चाहिए जिसके ऊपर आपका कनाडा का वीजा लगा होगा। दूसरा, आपने उनको कोई ना कोई एड्रेस देना है, ठीक है। एड्रेस के लिए कोई और रिसीप्ट नहीं चाहिए, कोई होता ना कि जहां पे आप Airbnb की रिसीप्ट या कोई और, वो नहीं, सिर्फ आप एड्रेस अपना दे दें और आपने पासपोर्ट आपने देना जिसके ऊपर आपका वीजा लगा हुआ है, ठीक है। अभी टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ही आसान है जिसको आपने पूरा करना है और ये मुफ्त के पैसे हैं। जैसे कि मैंने BMO बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल में अकाउंट ओपन किया था तो मुझे $400 अभी अकाउंट में आ गए हैं, ठीक है। अभी ये है कि क्रेडिट कार्ड जो लोग कनाडा में रहते हैं उनको पता है कि क्रेडिट हिस्ट्री जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो जब भी आप कनाडा में एज ए टूरिस्ट आए तो आपने, अगर आपके प्लान्स हैं फ्यूचर में यहाँ पे रहने के, तो आप पहले दिन से ही अपनी क्रेडिट जो हिस्ट्री है ना वो बनानी शुरू कर दे, ठीक है। तो कैपिटल वन जो है ना, ये एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो टूरिस्ट जो है ना वो ले सकते हैं। कोई इसके ऊपर ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, आप एड्रेस दें और विद इन वन मंथ जो है ना आपके घर में वो क्रेडिट कार्ड आ जाएगा। कैपिटल वन, दोबारा बता रहा हूं, ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो आप उसका, लेकिन इसका एक चीज ये है कि इसके अंदर आपको कोई पैसे नहीं होंगे, आपने खुद पहले डिपॉजिट करने हैं। जब आप अप्लाई करेंगे तो वो आपको एक लिंक भेजेंगे बाय ईमेल, तो आपने अपने बैंक से तकरीबन $300 आपने ट्रांसफर करने हैं और वो आपके अकाउंट में चार्ज हो जाएंगे, वो आप क्रेडिट कार्ड से आप वो यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने कहा चलो आपको बता दूं कि एज ए टूरिस्ट आप कौन कौन से फायदे हैं जो आप कनाडा में आके, एक तो आप वेलकम बोनस उठाएं, दूसरा क्रेडिट हिस्ट्री पहले दिन से ही बनानी शुरू कर दें ताकि फ्यूचर में आपका फायदा हो। अभी मेरे इस चैनल पे आपको सारी इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है टूरिस्ट वीजा की मिलेगी। प्लेलिस्ट में जाएं और कनाडा टूरिस्ट वीजे वाला सेक्शन है, वहां पे A to Z सारी इंफॉर्मेशन। चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें, मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस, मजीद जो मेरा एक्सपीरियंस होगा, पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं इस वक्त कनाडा में मौजूद हूं, मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, ठीक है। गूगल वाली या और इधर उधर की बातें मैं आपको शेयर नहीं करूंगा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।